द्वितीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में आज हम प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय मत में वरुण को न्याय का अधिष्ठाता देवता माना जाता है। वरुण को ऋग्वेद में ऋतस्य गोप्ता अर्थात व्यवस्था का रक्षक भी कहा गया है। राजा अथवा शासक में न्याय के देवता वरुण का निवास माना जाता है। न्याय का उद्देश्य, न्याय का उद्देश्य समाज में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों को दंड देना एवं सज्जनों की रक्षा करना। अब हम न्याय व्यवस्था का कालखंड के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। सर्वप्रथम वैदिक कालीन न्याय व्यवस्था। वैदिक काल में राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। राजा के सहायता के लिए सभा नामक एक परामर्शदाता संस्था थी जो राजा को न्याय में परामर्श अथवा सहायता देती थी। सभा में वरिष्ठ निष्पक्ष एवं विद्वान व्यक्तियों को रखा जाता था। वाद विवाद में मध्यस्थता करने वाले अर्थात बीच में समझौता करने वाले व्यक्तियों को मध्यमसी नाम से पुकारा जाता था। विवाद के सामान्य कारणों में पशुधन की चोरी, संपत्ति के लेन देन का विवाद, सामाजिक परंपराओं के उल्लंघन आदि प्रमुख विषय थे। इसके पश्चात सूत्रकाल अर्थात बुद्धकाल से पूर्व सूत्रकाल में धर्मशास्त्रों में न्याय व्यवस्था के बारे में विस्तृत वर्णन है। मनुस्मृति, यज्ञवल्क स्मृति इत्यादि में न्याय व्यवस्था का विस्तृत वर्णन है। संक्षेप में न्याय के लिए सभा का उल्लेख किया गया था। सूत्र के अनुसार न्याय सभा में 3 से लेकर 7 तक सदस्य होते हैं। सदस्य विद्वान एवं निष्पक्ष होने चाहिए। न्याय बहुमत से किया जाता था अर्थात अधिकांश व्यक्तियों का जो मत होता था उसे न्याय माना जाता था, जिसे पंच परमेश्वर व्यवस्था भी गांव में कहा जाता था। इसके अतिरिक्त मनुस्मृति में 18 प्रकार के विवाद का उल्लेख है। साथ ही मनुस्मृति में 4 प्रकार के दंड वर्णित किए गए हैं। अर्थदंड अर्थात उससे अपराधी से धन वसूल करना। दूसरा है अंग विच्छेद अर्थात अपराधी को उसके अपराध के अनुसार उसके शरीर के अंगों को काट देना। तीसरा था कारागृह अर्थात जेल में डालना एवं अंतिम था मृत्युदंड अर्थात यह दुर्लभ मामलों में दिया जाता था। इसके बाद हम गुप्त काल की न्याय व्यवस्था के बारे में देखें, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में देखें तो मौर्य काल में न्याय का जो विस्तृत उल्लेख है वह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिया गया है। उस समय कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार न्याय दिया जाता था। इसका विस्तृत उल्लेख अपने अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने दिया है। मौर्य काल में गांव के विवादों पर विचार करने के लिए गांव में पंचायतें स्थापित थी जिसमें न्यायाधीश का पद गोप अथवा ग्राम अधिकारी द्वारा ग्रहण किया जाता था। अर्थात ग्राम में पंचायतें थीं एवं न्यायाधीश को गोप अथवा ग्राम का अधिकारी कहा जाता था। पंचायत के ऊपर आसपास के गांवों से ऊपर कुछ और न्यायालय होते थे जिनमें द्रोणमुख, स्थानीय एवं सम्राट का सर्वोच्च न्यायालय थे। चोर को पंचायत से बहिष्कृत कर दिया जाता था, उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। नगरों में उससे ऊपर न्यायालय होते थे
जिसमें उसके आसपास के गांवों के विवादों का निपटारा किया जाता था। इससे ऊपर उच्च स्तर पर अधिक गांवों के ऊपर एक और न्यायालय था जिसे द्रोणमुख, वर्तमान में हम जिसे संभागीय न्यायालय भी कह सकते थे, वो होते थे। और उससे ऊपर स्थानीय अथवा जिले का न्यायालय था और सबसे ऊपर राजा का न्यायालय था, जो कि उस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना में स्थित था। सम्राट का न्यायालय सर्वोच्च था, उसका निर्णय अंतिम था। सम्राट की सहायता के लिए सभा होती थी जिसमें विद्वान व्यक्ति बैठते थे। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में न्यायालय के दो प्रकारों का उल्लेख किया है। पहला धर्मस्थीय अर्थात दीवानी न्यायालय, जिसमें वित्त अर्थात धन संबंधी विवादों का निर्णय होता था। दूसरा था कंटक शोधक अर्थात वे न्यायालय जिसमें आपराधिक मामलों का निर्णय होता था। इसमें जहां धर्मस्थी न्यायालय के प्रधान को धर्मस्थ या व्यावहारिक कहा जाता था और कंटक शोधन अर्थात फौजदारी के प्रधान न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था। अपराध के दंड देने से पूर्व अपराध की प्रकृति अर्थात अपराध किस परिस्थिति में किया गया है, अपराध करने वाले का उद्देश्य क्या था, उस पर विचार किया जाता था। अपराध के प्रकार थे जिसमें बड़े अपराध के लिए बड़ा और छोटे अपराध के लिए छोटा दंड दिया जाता था। बड़े अपराध को तीन भागों में बांटा गया था। अपराध को साहस कहा जाता था जिसमें प्रथम, मध्यम एवं उत्तम साहस कहा गया था। इन तीनों प्रकार के दंड का अलग अलग था, जैसे इनको वित्त के अनुसार, जैसे यहाँ पर उस समय पण चलते थे, जैसे आज रुपये चलते हैं, उस समय जो मुद्रा का नाम था वो पण था। तो प्रथम, मध्यम एवं उत्तम साहस के लिए अधिकाधिक राशि का विवरण पाया जाता है। छोटे अपराधों में छोटे दंड ही दिए जाते थे। इसके पश्चात चाणक्य ने राजा को ये चेताया है कि राजा यदि किसी निरअपराधी को दंड देवे तो उससे तीन गुना दंड उसे स्वयं भुगतना चाहिए, अर्थात राजा को दंड देते समय निष्पक्ष होना चाहिए। इसके बाद हम गुप्त काल को देखें तो गुप्त काल में न्याय व्यवस्था और अधिक विकसित हो गई और ज्यों ज्यों आर्थिक विकास हुआ त्यों त्यों उत्तराधिकार के बारे में भी विवाद बढ़े एवं उस समय विवादों के निपटारे के लिए नए कानून बने। पहले की तरह ही सम्राट सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था और व्यापारिक की श्रेणियां अर्थात जो व्यापारी नगरों में होते थे उनके अपने अपने वर्ग थे, उनके पृथक रूप से अपने न्यायालय एवं उनके नियम होते थे जो अपने आपसी विवादों का निपटारा करते थे। स्मृतियों में पूग एवं कुल नामक दो अन्य संस्थाओं के उल्लेख भी मिलते हैं, जहाँ पर पूग नगरों में रहने वाले विभिन्न व्यवसायों की संयुक्त समिति होती थी, वहीं कुल एक समान परिवार के सदस्यों की निर्णायक समिति थी। गांव में पहले की तरह ही ग्राम पंचायतें काम करती थी। गुप्तकालीन अभिलेखों में न्यायाधीशों को दंड नायक, महादंड नायक एवं सर्वदंड नायक से उल्लेखित किया गया है। चीनी यात्री फाइयान ने अपने विवरण में बताया कि दंड विधान कोमल था एवं शारीरिक अर्थात अंग विच्छेद या मृत्युदंड नहीं दिए जाते थे, परंतु यदि वही व्यक्ति बार बार राजद्रोह करे तब उस व्यक्ति का दाहिना हाथ काट लिया जाता था। इसी के साथ गुप्त काल में पहली बार दीवानी एवं फौजदारी अर्थात वित्तीय एवं मारपीट आदि कानूनों को अलग अलग व्यवस्थित किया गया। संक्षेप में हम देख सकते हैं कि प्राचीन भारत में वैदिक काल से लेकर के गुप्त काल तक न्याय व्यवस्था का उत्तरोत्तर
विकास हुआ है। न्याय को एक महान कार्य मान करके उसमें निष्पक्षता को आवश्यक समझा जाता था। इसी के कारण जब फैयान मध्य देश अर्थात मध्य भारत में आता है तब वह कहता है कि समाज में शांति व्यवस्था थी। इस प्रकार प्राचीन भारत में न्याय व्यवस्था क्रमशः विकसित होती गई। धन्यवाद।